हेलो दोस्तों, हम लोग फूरियर सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। डिरिचलेट कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज, ये दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द डिरिचलेट कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज, पेपर कोड NAS 203/2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया है दो नंबर में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दो नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि डिरिचलेट कंडीशंस फॉर फूरियर सीरीज, मतलब किसी भी फंक्शन को फूरियर सीरीज में हम तभी लिख पाएंगे जब वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फंक्शन को फूरियर सीरीज में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये डिरिचलेट कंडीशन होती क्या है वो देख लो यहाँ पर। तो डिरिचलेट कंडीशंस फॉर फूरियर सीरीज क्या क्या है कि ए फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फूरियर सीरीज इन द इंटरवल ए टू बी, ना ए और बी के बीच इंटरवल के बीच में कोई भी फंक्शन को फूरियर सीरीज में लिख सकेंगे यदि कंडीशन इफ़ इट इज़ पीरियाडिक, कौन फंक्शन एफ एक्स इज़ पीरियाडिक सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। पहली शर्त है एफ एक्स क्या होना चाहिए, पीरियाडिक हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो और फाइनाइट हो। दूसरी कंडीशन है कि एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इन एनी वन पीरियड, जिसे वन पीरियड का दिया है तो इसके बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए। कोई डिसकंटिन्यू हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूटी है तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए एनी वन पीरियड। इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बीच फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अगर रेंज हम लोग ए से बी लेते हैं तो ए से बीच के बी के बीच में फंक्शन पीरियाडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और फंक्शन ए से बी के बीच में डिसकंटिन्यूअस। पहली चीज़ अगर कंटिन्यूअस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स फाइनाइट होने चाहिए। इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इन एनी वन पीरियड और इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन तो उसको फूरियर सीरीज में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग सारे पॉइंट को समझते हैं। जिसे कहा कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इट इज़ पीरियाडिक सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। पीरियाडिक का मतलब हुआ कि एक पीरियड में जो ग्राफ दिया हुआ है यही नेक्स्ट पीरियड में होना चाहिए। तो सपोज एक पैराबोला ले लिया गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला इस तरीके बनेगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका टू पॉइंट है ना, टू पॉइंट है तो टू पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर, वाई की वैल्यू फोर हो जाएगी। तो इस पैराबोला का हम लोग इतना पार्ट ले लेते हैं, कहाँ से एक्स की वैल्यू वन और टू तक, वैसे तो जाएगा पैराबोला आगे लेकिन इतना पार्ट हमने ले लिया पैराबोला का, है ना, पैराबोला का इतना पार्ट ले लिया, है ना। तो ए फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फूरियर सीरीज इन द इंटरवल ए टू बी, इसको फूरियर सीरीज, यहाँ तो ये पैराबोला है, इसको फूरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा कि इट इज़ ए पीरियाडिक, तो पीरियाडिक है, इतना पीरियड का लिया है। अब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो देखो जीरो से, यही पैराबोला जीरो से टू तक ये आया, फिर अगली रेंज आएगी टू से फोर, है ना, अरे इसकी लेंथ कितनी है, वन टू, टू लेंथ है तो टू से आगे फोर जाएगा। तो टू से फोर के लिए यही इतना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो ये कितना हुआ, ऐसे फिगर बन गया फिगर। फिर फोर से सिक्स का फिगर बनना है तो फिर वही चीज़ ये कॉपी करके आगे, यानी इतना कॉपी करके एक पीरियड का जैसा ग्राफ बना है वैसा ही हर पीरियड का ग्राफ बनेगा, सेम वैसा ही। ठीक है, तो इधर भी आएंगे तो इधर माइनस टू से वन का है तो ये ग्राफ हो गया, इधर माइनस फोर से माइनस टू ये ग्राफ बन गया। तो जितना चाहे उतना बना सकते हैं, पैराबोला का इतना पार्ट ले लिया। अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको फूरियर सीरीज में लिखना है तो तभी लिख पाएंगे जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। तो पहली चीज़ पीरियाडिक होना चाहिए, तो पीरियाडिक किस तरीके का, देखो जैसे एक पीरियड का हमने लिया तो इस तरीके से उसको बनाया जा सकते हैं, तो फंक्शन इस तरीके का होना चाहिए, पीरियाडिक होना चाहिए। दूसरा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, जैसे यहाँ x की वैल्यू 1 पर y की एक ही वैल्यू आएगी, x इक्वल टू टू पर y की एक ही वैल्यू आएगी, 1 बाई टू पर एक ही, यानी ये सिंगल वैल्यूड है। लेकिन वही अगर पैराबोला हम लोग ये ले लेते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x हो गया, यानी प्लस माइनस अंडर रूट x। तो देखिए इसको अगर बनाएंगे तो ये x एक्सिस, इसका एक्सिस होगा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। अब मान लीजिए 1 पॉइंट पर देखें तो 1 पॉइंट x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस
ये वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स, एक्स इक्वल टू वन पर प्लस माइनस वन, इधर एक्स इक्वल टू वन पर वाई की वैल्यू वन और माइनस वन, दो वैल्यू आ गई है ना। तो हर एक पॉइंट पर वाई की वैल्यू यहाँ दो मिल रही है, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं रहा। सिंगल वैल्यूड का मतलब हुआ एक ही। तो अगर इसको हम लिखना चाहें कि वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो इसको फूरियर सीरीज में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब उसकी कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट ना जाए, है ना, कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट ना जाए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स लेते हैं, तो देखो और माइनस पाई से पाई, तो माइनस पाई से पाई का अगर हम लोग ये ले लें पाई और माइनस पाई से पाई का, तो देखो यहाँ जीरो पर x इक्वल टू जीरो पर क्या है, x इक्वल टू जीरो पर इनफाइनाइट हो रहा है ना। x फंक्शन तो डिफाइंड है माइनस पाई से पाई के लिए, लेकिन जीरो पर ये इनफाइनाइट जा रहा है। जीरो पर y की वैल्यू क्या हो रही, इनफाइनाइट। जब इधर राइट साइड से आएंगे तो प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड से आएंगे तो माइनस इनफाइनाइट। तो क्या है, अब ये इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं हुई। जब तो कह रहा है कि जो रेंज दी है उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर ये इसको देखेंगे तो इसको हम फूरियर सीरीज में नहीं लिख पाएंगे, है ना। एफ एक्स इक्वल टू वन अपान एक्स को फूरियर सीरीज में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। इसके हर एक पॉइंट पर ये वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला फिगर यानी एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इसको अपोज करता है, किसको, कि सिंगल वैल्यूड का। तो बात क्लियर हुई। पहली शर्त है कि फंक्शन पीरियाडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, डिरिचलेट कंडीशन की दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त है कि इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इन वन पीरियड। अगर कोई ग्राफ है, मान लीजिए पहली चीज़ कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसकी संख्या फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग जीरो से माइनस पाई से पाई का ग्राफ देखें, ये मान लीजिए एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई से जीरो से कम तक, और एक्स वेन जीरो से पाई तक। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई से जीरो के लिए एफ एक्स की वैल्यू तो माइनस पाई है, यानी कॉन्स्टेंट है, तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई है। और जब आप जीरो से पाई लेते हैं तो एक्स है, तो वाई इज इक्वल, एफ एक्स का मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स क्या होती है, 45 एंगल बनाती हुई लाइन, ठीक है। तो जीरो से पाई तक ये कर्व है और माइनस ये, तो इसका मतलब जीरो पर ये डिसकंटिन्यूअस है ना। जीरो पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरी है, राइट हैंड लिमिट दूसरी है, तो जीरो पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या कहना है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे माइनस पाई से पाई रेंज है, तो इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी हुई, तो इस तरीके कह रहे हैं कि एक हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, इस रेंज में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए। तो ये भी शर्त सेटिस्फाई करना चाहिए, तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इन वन पीरियड। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है, इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट नंबर होना चाहिए उस रेंज का मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग जीरो से ए का देखें, तो मैक्सिमा और मिनिमा इसके बीच में कितने, इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा हो रहे हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा हो रहे हैं। तो जो भी रेंज आप लेंगे उसके बीच में नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वो फाइनाइट होने चाहिए। जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए माइनस पाई से पाई का ले लिया, तो देखिए ग्राफ अगर हम लोग इस तरीके बनाएं, ऐसे 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 निकाल दिया, तो इसमें नंबर ऑफ फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा हो गए माइनस पाई से पाई का, एक दो तीन तो मिनिमा हो गए और दो मैक्सिमा हो गए। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट होने चाहिए, इस तरीके इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम लोग फंक्शन को तब एफ एक्स को फूरियर सीरीज में लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी फंक्शन को हम फूरियर सीरीज में लिख सकते हैं, फूरियर सीरीज में उसी फंक्शन को लिख पाएंगे जो पीरियाडिक हो, सिंगल वैल्यूड हो और फाइनाइट हो, और इसके अंदर एक पीरियड में जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनकी संख्या फाइनाइट होनी चाहिए, और इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होने चाहिए। तो याद हो गया क्या है कि ए फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फूरियर सीरीज इन ए बी, ठीक है। पहली शर्त बताइए, हम ढक दे रहे हैं इसको, ठीक है। पहली शर्त में क्या है, पहली शर्त है कि इट इज़ पीरियाडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट।
दूसरा इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड, और तीसरा है इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इतना लिखना है, दो नंबर का क्वेश्चन ही पूछा गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और साथ में आपको बता दें, ये तो ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब और दो नंबर में इस तरीके पूछा जा सकता है क्या कि फिक्स्ड पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है वैसे ये, इनवेरिएंट पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं कि इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट बताओ, है ना। फंक्शन दे दे और कह दे कि उसका इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट बताओ। देखो इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट दोनों एक ही होते हैं। इसकी कंडीशन है कि एफ जेड इक्वल टू जेड होता है, तो ए फंक्शन एफ जेड इज ए पॉइंट ऑन द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट इफ एफ जेड इक्वल टू जेड, एफ जेड इक्वल टू जेड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो फंक्शन वो जो है जो पॉइंट्स यानी एफ जेड इक्वल टू जेड करने के बाद जो पॉइंट निकलेगा वो फिक्स्ड पॉइंट होगा। जैसे कहते हैं एग्जांपल कहते हैं कि एफ जेड इक्वल टू सपोज जेड स्क्वायर माइनस टू जेड, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड इसके फिक्स्ड पॉइंट बताओ। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि आप फंक्शन कोई भी दे सकते हैं, इसके बताएं पूछ लिया आपसे कि इसके फिक्स्ड पॉइंट बताओ, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट इज गिवन बाई, क्या फार्मूला होता है फिक्स्ड पॉइंट का, एफ जेड इक्वल टू जेड, है ना, एफ जेड इक्वल टू जेड। अब एफ जेड की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड इक्वल टू जेड, जेड इधर ले लो तो जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, जेड कामन हो गया, जेड कामन हो गया और कितना हो जाएगा जेड माइनस थ्री दिस इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज दैट जेड की वैल्यू क्या हो गई जीरो और थ्री, तो ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाते हैं या इनवेरिएंट पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आपसे ये पूछते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट बताओ, दूसरा कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट बताइए, क्रिटिकल पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट किससे निकलेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो कर दो, एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो कर दो तो इससे जो पॉइंट निकलेगा वो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, है ना, एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो कर दो तो वो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, है ना। तो सपोज यही फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू टू जेड माइनस टू, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो एफ डैश जेड कितना हो जाएगा, ये है आपका जेड स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू जेड माइनस टू, है ना। तो एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो से क्या मिलेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट टू जेड माइनस टू दिस इक्वल टू जीरो, तो जेड टू से डिवाइड कर लो तो जेड माइनस वन दिस इक्वल टू जीरो, सो जेड इक्वल टू वन इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप याद रख लो, मान लीजिए क्वेश्चन में दो नंबर में पूछ ले, फंक्शन दे दें और कह दें कि उसका क्रिटिकल पॉइंट या फिक्स पॉइंट बताइए, कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट, तो एफ जेड इक्वल टू जेड करना है, यहाँ एफ जेड दिया रहेगा वैल्यू रख के फिर सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकालो, और अगर क्रिटिकल पॉइंट कहता है तो एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो कर दो, तो एफ डैश जेड यहाँ एफ जेड दिया रहेगा एफ जेड जेड की वैल्यू रख के जेड की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, है ना। तो इस वीडियो में आपने तीन चीज़ें सीखी, एक तो डिरिचलेट कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज, दूसरा इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, और ये क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो ये दो नंबर में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, थैंक यू।